नमस्कार दोस्तों, आज फिर लौटे हैं हम पेंशन, जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जितने भी हमारे वर्किंग ऑफिसर्स हैं उनको किस तरह से फ़ायदा दिया गया था। 7th पे कमीशन का जो लेटर आया था उससे उनको किस तरह से फ़ायदा मिला था, और जो हमारे पेंशन धारक हैं उनको फिर भी उतना ही फैक्टर मिल रहा था। जो हमारे जितने भी वर्किंग ऑफिसर्स थे उनको जो है 7th पे कमीशन के बाद उनको जो पे किया गया था वो फैक्टर दिया गया था 2.57 से इंक्रीज़ कर। लेकिन जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उनका स्टिल इतना ही था, उनका इंक्रीज़ नहीं किया गया था। तो अब जो लेटर है ये, इसके अंदर सारी डिटेल्स दी गई है, हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसा कि इसके अंदर आपको दिख ही रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है, और इसके अंदर हमें साथ ही साथ ये डेट भी दी गई है कि किस डेट का रिजोल्यूशन है, और इसके अलावा यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, और इसके अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस रिपोर्ट कवर्स अमंग द थिंग्स मैटर्स रिलेशन टू स्ट्रक्चर द इमोल्यूमेंट्स अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस of armed forces personnel. Government has given careful consideration to the recommendations of the commission relating to these matters in respect of officers of the armed forces. मतलब इसके अंदर सारी डिटेल्स दी गई है कि किस तरह से क्या बढ़ोतरी हुई थी उनकी, किस तरह से किसको पे किया जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं हमें मेनली इस लेटर के अंदर आखिर मतलब क्या देखना है। इसके अंदर हमें मेन देखना है कि जो ये जनरल रिकमेंडेशन हैं ये देखनी है हमें। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इसके अंदर देखिए, जनरल रिकमेंडेशंस में ऑन पे रिकमेंडेड बाय द कमीशन हैव बीन एक्सेप्टेड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस इन डिफेंस पे मैट्रिक्स नेमली। मतलब जो भी जनरल रिकमेंडेशंस दी गई थी कमीशन के द्वारा वो किस तरह से, मतलब क्या क्या एक्सेप्शनल्स एक्सेप्ट किए गए थे जो कि डिफेंस पे मैट्रिक्स में ऐड किए जाएंगे। इसके अंदर बता रखा है द इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ लेवल 13 ब्रिगेडर इन डिफेंस पे मैट्रिक्स में भी रिवाइज्ड अपवर्ड फ्रॉम 2.57 टू 2.67। मतलब जो इनका फैक्टर था ये 2.57 से इंक्रीज करके 2.67 कर दिया गया, और साथ ही साथ इसके अंदर ये बताया है सेकेंड में देखिए, एडिशनल 3 stages इन लेवल 12A लेफ्टिनेंट कर्नल, 3 stages इन लेवल 13 कर्नल एंड 2 stages इन लेवल 13A ब्रिगेडर में बी एडेड अप्रॉक्सीमेटली इन द डिफेंस पे मैट्रिक्स। मतलब जो 3 stages है वो ऐड करी गई लेवल 12A लेफ्टिनेंट कर्नल में, और 3 stages ऐड करी गई लेवल 13 कर्नल में, और 2 stages ऐड करी गई थी लेवल 13A ब्रिगेडर में। तो इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि जो मतलब जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया गया जो हम देख पा रहे हैं इसके अंदर वो ये है, जो ब्रिगेडर है उनका फैक्टर भी इंक्रीज़ किया गया और उनका जो है 2 stage लेवल भी बढ़ाया गया। तो मतलब सबसे ज़्यादा तो इसके अंदर फ़ायदा मिला है वो ब्रिगेडर को मिला है, और ये जितना भी मतलब अपडेट हुआ है, जो भी ये मतलब चेंज हुआ 7th पे कमीशन से, ये सारा सिर्फ उनके लिए हुआ था जो वर्किंग में थे। मतलब जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उनका जो फैक्टर था वो अभी भी 2.57 ही था। तो इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।